एक तरफ अरब देशों को सबसे बड़ा झटका दिया है भारत ने, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है और ये खुशखबरी 15 साल बाद भारत को मिला है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत एक ऐसी चोट देने की तैयारी में है जिसे सालों तक याद रखेंगे ये अरब देश। दुनिया भर में इस वक्त अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। अरब देशों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहा है भारत को लेकर, उसे लेकर ये देखा जा रहा है कि जो अरब देश चीन जो इतना बड़ा बड़ा बवाल करता है, उइगर मुसलमानों के साथ इस हद तक चला जाता है कि कोई सीमा नहीं है, यहाँ तक कि मस्जिदों देश में अपने हिसाब से काम करेंगे, यहाँ तक कि जो मस्जिदों का स्टाइल है, अरब स्टाइल है, उसको भी तोड़ रहा है और तोड़कर अपने तरीके से जो अपनी चाइनीज आर्ट है उसमें बना रहा है, मतलब पूरी तरीके से मुस्लिमों का चीनीकरण कर रहा है। पर इन सब के बावजूद ओआईसी समेत दुनिया के मुस्लिम देश चुपचाप रह जाते हैं, पर भारत की तरफ से एक बयान क्या हुआ, वो भी एक नेता की तरफ से, जिसे भारत ने साफ भी कर दिया कि इसका बयान का मतलब ये नहीं है कि भारत का इस तरीके का नजरिया है। पर अरब देशों की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हुए, राजदूत को बुलाया और सम्मन किया। पर अब एक ऐसी चोट की तैयारी में है भारत, जिस चोट से वो अरब देश पूरी तरीके से हिल जाएंगे। वैसे इस वक्त ये माना जाता है कि भारत अरब देशों पर निर्भर है और कहीं न कहीं कुछ हद तक जरूर निर्भर है क्रूड ऑयल वगैरह के लिए, पर भारत ने इसका रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। जहाँ भारत ने रूस के साथ अपनी खरीद को डबल कर दिया है, तो वहीं भारत ने इससे अलग एक बड़ा काम करना शुरू किया है और वो है पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाना। अब तक भारत 10% एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को हासिल कर चुका है, लेकिन अब भारत का टारगेट है 20% तक। अगर 20% तक भारत ऐसा कर लेता है तो आप समझ लीजिए कि हमें पेट्रोल खरीदने के लिए बहुत कम पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल की मात्रा हमें कम खरीदनी पड़ेगी। पिछले साल भारत ने 41,000 करोड़ रुपए बचाए हैं 10% एथेनॉल का इस्तेमाल करके, और अब भारत इस लक्ष्य को और ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। वैसे जो नहीं जानते हैं वो जान लें, एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है गन्ने का रस। भारत में गन्ने का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो भारत इसका इस्तेमाल हर तरीके से अपने फायदे के लिए कर सकता है। जहां एक तरफ एथेनॉल की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां ज्यादा सफलतापूर्वक काम करती हैं या नहीं करती हैं, तो आपको बता दें ब्राजील एक ऐसा देश है जो इस प्रक्रिया में मास्टर हासिल कर चुका है और करीब 85% तक एथेनॉल का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसी गाड़ियां बनाई है जो 85% तक एथेनॉल वाले पेट्रोल से ईंधन से चलती है। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा अच्छी है। भविष्य में भारत को तेल की खरीद बहुत कम करनी पड़ेगी, और जहां तक अभी की बात करें तो अभी भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीद रहा है और लगातार तेल की खरीद को डबल किए जा रहा है। अब तो ऐसी सूचना आ रही है कि भारत की दो और कंपनियों के साथ रूस एक बड़ा समझौता कर रहा है, वो भी तेल के लिए। मतलब भारत अभी तत्काल अपनी सारी समस्याओं का निदान कर रहा है, लेकिन अरब देशों का क्या होगा? अरब देश भारत के चावल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावे आने वाले खाद्यान्न संकट के लिए अगर अरब देशों को किसी का सहारा चाहिए तो वो भारत का ही सहारा चाहिए। वैसे जहां अरब देशों के लिए भारत की रणनीति तैयार हो रही है, और ये रणनीति आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे अरब देश हम पर निर्भर होंगे, न कि हम अरब देश पर किसी भी हद में किसी भी चीज के लिए निर्भर होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ऐसा नहीं है कि इन सब छोटी मोटी बातों में फंसा हुआ है। भारत ने दूसरी
दूसरी तरफ बहुत तगड़ा वाला गेम खेल दिया है और ये गेम 28 देशों के सामने और मिलकर खेला गया है, जिसमें सबसे बड़ी मदद कर दी है फ्रांस ने। फ्रांस जो इस वक्त भारत का सबसे अच्छा वाला दोस्त बन रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ्रांस अगर रूस की जगह ले ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उस फ्रांस ने अब भारत की बहुत सारी समस्या का हल कर दिया है। भारत पिछले 15 साल से एक बहुत बड़ी चीज का इंतजार कर रहा था और वो बहुत बड़ी चीज का इंतजार हमेशा से भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहा था, पर चीन ने कभी भी उस चीज को पूरा नहीं होने दिया। पहले तो हमारी देश की नीतियों ने ही हमें रोका और उसके बाद चीन जब ताकतवर होता चला गया तो भारत को रोकता रह गया और भारत की एंट्री नहीं हो पाई। अब से कुछ सालों पहले तक 28 देशों में राज करता था चीन। चीन का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। चीन जब यहाँ पहुँचता था तो ऐसा लगता था जैसे कि भगवान उतर कर सीधे आ गए हैं और चीन के हर डील पर हाँ हो जाती थी। पर अब पिछले कुछ सालों से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चीन की हर डील यहाँ पर फेल हो जा रही है और चीन जब समझने की कोशिश कर रहा है कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो पता चल रहा है कि इन सब के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो खड़ा है फ्रांस, और फ्रांस के साथ कोई खड़ा है तो वो खड़ा है भारत। अब 28 देशों के साथ भारत की हो रही है महाडील और इस महाडील से सबसे ज्यादा चिंता में पड़ा है चीन। जैसा कि यूरोपीय देशों में फ्रांस सबसे बड़ा देश है, सैन्य के मामले में भी और आर्थिक तौर पर भी, और जब तक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल थी तब तक भारत के लिए समस्या थी, पर ओलाफ के बनने के बाद भारत की बहुत ज्यादा समस्या खत्म हो गई है। अब यूरोपियन देशों में जो ये 28 देश हैं, दो फ्रांस और जर्मनी कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एकमात्र ऐसा देश है जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल और रणनीतिक साझेदार है भारत का, और आपको बता दें फ्रांस यूरोपीय यूनियन में भी एक बहुत बड़ा पोजीशन रखता है। इस वक्त भारत के 4 रणनीतिक साझेदार हैं: रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल। और अब फ्रांस ने बिल्कुल खजाना खोल दिया है भारत के लिए। फ्रांस ने दरअसल ये ऐलान कर दिया है कि 2024 से पहले तक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन का होने का मतलब है कि बहुत सारा खजाना, आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान GSP+ की स्टेटस लेकर यूरोपीय यूनियन से बिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा कमाता है। GSP+ स्टेटस में कुछ टैरिफ देना पड़ता है, तब ये हाल है। उसके अलावे बहुत सारे नियम कानून अलग से हैं, पर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ यूरोपीय यूनियन साइन करता है तो भारत के लिए डॉलरों की बरसात है। 28 देशों में भारत का व्यापार फैलना, मतलब आप समझ लीजिए कि भारत सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। वैसे इन 4 रणनीतिक साझेदारों में आपको सबसे ज्यादा विश्वासी साझेदार कौन कौन लगते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।